वायरस की दहशत का असर हिमाचल में भी देखने को मिला है। हिमाचल की कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। चीन में फैले कोरोना वायरस को लेकर हिमाचल में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। हमीरपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के चलते कोरोना वायरस के चिन्हित 13 लोगों पर नजर रखी जा रही है और उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि इनमें से किसी में कोरोना वायरस नहीं पाया गया है। इस सूची के मुताबिक जो लोग हैं उनके ऊपर हम कड़ी निगरानी रख रहे हैं और उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी रोजाना तौर पे हमारे हेल्थ केयर वर्कर विजिट कर रहे हैं और अभी तक उनमें किसी में भी कोई लक्षण ऐसा नहीं पाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जोगोता ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रति बचाव के लिए पूरे जिला के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक की गई है और स्पेशल आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं। कोरोना वायरस के बचाव के लिए पहले तो हम पिछले कल ब्लॉक स्तर पे जितने भी हमारे मेल हेल्थ वर्कर, मेल हेल्थ सुपरवाइजर, मेडिकल ऑफिसर, उनके साथ कल हम मीटिंग कर चुके हैं। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में स्पेशल आइसोलेशन वार्ड तैयार है जिसमें लाइफ सेविंग जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो उन्होंने तैयार रखे हैं। अगर कोई केस आता है तो मेडिकल कॉलेज के लिए पूरी तरह तैयार है। हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग ने कई जिलों में कोरोना वायरस के चलते अभियान छेड़ दिया है और डॉक्टरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि मरीजों को निगरानी में रखा जाए।